हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, मैं हूं फरोज खान और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसमें अक्सर मैंने प्लेयर्स देखा थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं और वो है रिटर्न क्रीज की नो बॉल। तो आज हम रिटर्न क्रीज की नो बॉल के बारे में और बाकी कौन कौन से नो बॉल होती हैं क्रीज से रिलेटेड आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पहले मैं बताना चाहूँगा रिटर्न क्रीज के बारे में, रिटर्न क्रीज होती क्या है। जो आपको ये स्टम्प्स के बराबर ये दिख रही है आपको लाइन स्टम्प से पहले, ये रिटर्न क्रीज होती है। ये स्टम्प से 4 फिट आगे होती है और कम से कम इस वजह से बोल रहा हूँ कि क्योंकि इस जो लाइन है स्टम्प्स के पीछे, इसकी मिनिमम 4 फिट होनी चाहिए। बाकी ये इस लाइन की कोई लंबाई नहीं है, ये 4 फिट से आप इसे बाउंड्री तक भी बना सकते हैं, लेकिन ये कम से कम 4 फिट होनी चाहिए। और इसमें अब मैं बताऊंगा कि नो बॉल किस तरह से होगी इसमें। अब जैसे कोई बॉलर अगर रनअप में अगर इस लाइन को टच करता है, जैसे कि मैं राइटी बॉलर हूँ, मैं जा रहा हूँ और मैं अगर इस पैर से अगर अगले पैर से या पिछले पैर से इस लाइन को अगर मैं कट करता हूँ रनअप में कट करने पर ये नो बॉल होगी। ये आप देख सकते हैं, मैं इस तरह से आया और मैंने इसे टच किया लाइन को, तो ये नो बॉल नहीं होगी। अब रिटर्न क्रीज की नो बॉल किस तरह से होगी वो मैं आपको बताऊंगा कि जब हम बॉलिंग कर रहे होते हैं उसे हम जब बॉल डिलीवर करते हैं, हम डिलीवरी जो हमारी स्ट्राइड होती है, डिलीवरी स्ट्राइड के अंदर हमारा पिछला पैर, मैं राइटी हूँ यानी कि मेरा जो राइट फुट है, अगर राइट फुट इसे टच करेगा रिटर्न क्रीज को बॉल डिलीवर करते में, आप देख सकते हैं डिलीवर करते में अगर ये पैर मेरा पिछला पैर अगर मेरा टच करेगा रिटर्न क्रीज को किसी भी तरह से, पिछला पैर सिर्फ डिलीवरी स्ट्राइड में, डिलीवरी स्ट्राइड के अंदर अगर मेरा जो पिछला पैर है यानी ये मेरा राइट फुट अगर लाइन के ऊपर भी है और अगर टच नहीं किया है, आप देख सकते हैं इसमें टच नहीं किया है, तो ये नो बॉल नहीं होगी। टच होने के बाद ही अगर आप टच करते हैं तभी ये पिछले पैर से नो बॉल होगी, वो भी सिर्फ मैं दोबारा फिर बोल रहा हूँ बॉलिंग स्ट्राइड के अंदर, आप जब बॉल डिलीवर कर रहे हैं। अब देखिए मैं आपको बताऊंगा किस तरह से नो बॉल नहीं होती, अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं प्लेयर। अभी आप मेरे पैरों पर गौर करिएगा, अब मैं बॉलिंग स्ट्राइड के अंदर मेरा ये आगे वाला पैर रिटर्न क्रीज को कट कर रहा है तो ये नो बॉल नहीं होगी। अगर ये पैर मेरा बाहर भी जाता है बॉल डिलीवर करते हुए तो भी ये बॉल नो नहीं होगी, ऊपर होने पर भी नो नहीं होगी। ये सिर्फ पॉपिंग क्रीज के बाहर, जब मेरा अगला पैर जाएगा पॉपिंग क्रीज के बाहर तभी ये नो बॉल होगी। और अगर पॉपिंग क्रीज से हल्का सा भी ये मेरा पैर पीछे होता है, अगर एयर में भी है तो ये नो नहीं होगा। टच होता है या एयर में है, अगर क्रीज के हल्का सा भी पीछे है तो ये नो नहीं होगा। एक और चीज़ उसमें अक्सर प्लेयर कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने देखा अगर हम स्टम्प्स के अगर पीछे से भी अगर मैं यहाँ से भी अगर मैं बॉल डालता हूँ तो ये बॉल नो बॉल नहीं होगा। अगर मैं बॉक्स के पीछे से भी अगर मैं बॉल करता हूँ तो ये जैसा आप देख रहे हैं पैर मेरे पीछे हैं, आप देख सकते हैं ये बॉल नो नहीं होगी। अब मैं आपको एक ऐसी नो बॉल के बारे में बताने जा रहा हूँ, वो बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलती है, मैंने अभी तक अपनी लाइफ में ऐसी नो बॉल होते हुए देखी नहीं है, लेकिन होने के चांस बहुत रेयर रहते हैं इसके। ये आप स्टम्प्स देख रहे हैं, ये जो मिडिल स्टम्प है, मिडिल स्टम्प से सामने वाला जो दूसरा एंड है उसके मिडिल स्टम्प से और इस मिडिल स्टम्प तक एक इमेजिनरी लाइन होती है जो ड्रॉ नहीं करी जाती है। कोई बॉलर अगर ओवर द आता है बॉल डालने के लिए, राइट आर्म ओवर बॉल करने के लिए आ रहा है और उसका जो अगला पैर है कहीं ना कहीं वो इस लाइन से अगर बाहर जाता है, जो इमेजिनरी लाइन है जो दो स्टम्प्स को आपस में मिलाती है, मिडिल स्टम्प से मिडिल स्टम्प को, तो ये नो बॉल हो जाएगी। भले ही उसका पैर पॉपिंग क्रीज के अंदर है लेकिन अगर स्टम्प्स के सीज से बाहर होगा तो ये नो बॉल हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।